वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय अर्थशास्त्र प्रकरण 6 बजार अने तेमा आपने गया लेक्चर में बजार ना प्रकारों में हरीफाई ना आधारे बजार ना प्रकार जेमा पूर्ण हरीफाई वालो बजार तेनो अर्थ अने तेना बे लक्षणों असंख्य खरीदनार अने असंख्य वेचनार तेमज समान गुणी वस्तुओं आ लक्षणों आपने जोई गया हता। हवे आ लेक्चर में आपने तेमना अन्य लक्षणों समझवाना छे जेमा त्रीजु लक्षण एटले के पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर। जे बजार में असंख्य खरीदनार अने असंख्य वेचनार होय दरेक वेचनारनी वस्तुओ रूप रंग गंध कद स्वाद वजन आकार अने गुणवत्तानी दृष्टिए एक समान एक रूप समरूप लागती होय ते बजार मा वेचाण करनारी उत्पादन करनारी पेढ़ीओ गमे त्यारे प्रवेश करे छे अने गमे त्यारे ते बजार ने छोड़ीने जती रहे छे। अहीं पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर जोवा मळे छे। ज्यारे तेमने सारा प्रमाण मा नफो थतो हशे त्यारे वेचनाराओ बजार मा प्रवेश करे छे अने ज्यारे नफानुं प्रमाण घटवा लागे त्यारे नफानुं प्रमाण घटता जे पेढ़ीओ ओछा नफामां वस्तुनुं उत्पादन के वेचाण करवा इच्छती नथी तेवी पेढ़ीओ बजार छोड़ीने जती रहे छे। आम अहीं पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर जोवा मळे छे। पूर्ण हरीफाई वाला बजारनुं त्रीजुं महत्वनुं लक्षण पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर छे। अहीं पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवरनो अर्थ पेढ़ीओनो उद्योगमां विना नियंत्रण प्रवेश अने निकास एटले के बजारमां प्रवेश करे छे अने बजारने छोड़ीने जती रहे छे। कोई उद्योग ज्यारे असामान्य नफानी स्थितिमां होय एटले के खूब वधारे प्रमाणमां नफो करतो होय त्यारे ते बजारमां टकी रहे छे। आवा असामान्य नफाथी आकर्षाय एक पेढ़ी ज्यारे वस्तुनुं उत्पादन करे वेचाण करे अने सारा एवा प्रमाणमां नफो मेळवती होय आ जोईने अन्य पेढ़ीओ नफो कमावा माटे नफो प्राप्त करवा माटे बजारमां आवे छे उत्पादन करे छे अने वस्तुनुं वेचाण करवा लागे छे। अहीं कोई प्रवेश पर नियंत्रण के पछी कोई अंकुश होतो नथी। तेमज जो कोई उद्योग में असामान्य खोटनी स्थिति उभी थाय जारे कोई पेढ़ी खोट करवा लागे तो आ खोटने कारणे ते पेढ़ी उद्योग ने छोड़ीने जाय छे एटले के पोतानो व्यवसाय बंद करी दे छे। एक कंपनी नफो करे त्यारे अन्य कंपनीओ अन्य पेढ़ीओ बजार मां प्रवेश करे छे। ज्यारे धंधा मां खोट जवा लागे उत्पादन होय के सारी किंमत न मळता नफानुं प्रमाण घटवा लागे त्यारे पेढ़ीओ उद्योग छोड़ी जाय छे। आम आ बजार हरीफाई मां पेढ़ीओनी अवरजवर उपर कोई पण प्रकारनो प्रतिबंध होतो नथी। पूर्ण हरीफाई वाला बजार मां पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर मात्र टूंका गाळा मां जोवा मळे छे एटले के टूंक समय मां पेढ़ीओ प्रवेश करे अने जती रहे छे। लांबा गाळे पेढ़ीओनी संख्या स्थिर रहे छे कारण के लांबा गाळा सुधी जे पेढ़ीओ सामान्य नफो मेळवीने पण बजार मां टकवा इच्छती हशे तेज पेढ़ीओ बजार मां रहेशे। टूंक समय मां वधु नफो प्राप्त करी लेवा माटे जे पेढ़ीओ बजार मां प्रवेशी हती तेने थोड़ी पण खोट जता ते बजार मां थी जती रहेशे। पेढ़ीओ टूंका गाळा मां उद्योग ना नफाथी आकर्षाय प्रवेश करे छे
अथवा खोटना कारणे पेढ़ी उद्योग छोड़ी जाए छे। एटले के परंतु लांबा गाळे जारे पूर्ण हरीफाई वालो बजार सामान्य नफानी स्थिति हासिल करे, विद्यार्थी मित्रों असामान्य नफानी स्थिति जोईने पेढ़ीओए प्रवेश कर्यो हतो, परंतु लांबा गाळे सामान्य नफो थाय त्यारे पेढ़ीओनी उद्योगमांनी अवर जवर आपोआप बंद थाय, कारण के त्यारे असामान्य नफो होतो नथी अने आकर्षायने पेढ़ीओनो प्रवेश थतो नथी, कारण के आकर्षण रूप असामान्य नफो जो होतो नथी। कारण के जारे उद्योग सामान्य स्थितिए पहुँचे छे त्यारे पेढ़ीओने आवा उद्योगमां प्रवेशवा माटेनु आकर्षण रहेतु नथी, तेथी पेढ़ीओ उद्योगमांनो प्रवेश बंद करे छे। तेवी ज रीते उद्योगमां सामान्य नफानी स्थितिए कोई पेढ़ी खोट पण करती न होय ते उद्योग छोड़ीने जती पण नथी। एटले के लांबा गाळे नहीं नफो नहीं खोटनी स्थिति करता सामान्य नफो प्रवर्तो होय त्यारे खोट होती नथी अने असामान्य नफो पण होतो नथी। एटले के सामान्य नफो होय त्यारे पेढ़ीओनी संख्या स्थिर बने छे। त्यार पछीनुं लक्षण बजार अंगेनुं संपूर्ण ज्ञान। पूर्ण हरीफाईवाळा बजारमां उत्पादको वेचनाराओ अने खरीदनाराओने बजार अंगेनुं एटले के वस्तुनी किंमत वस्तुनी उपलब्धता विषेनुं संपूर्ण ज्ञान होय छे। विद्यार्थी मित्रों घणी बधी वस्तुओ एवी होय के जेना वेचनाराओ असंख्य होय छे जेना खरीदनाराओ पण असंख्य होय छे अने बन्नेने वस्तुना वेचाणकर्ताओ वस्तुनी किंमत तेनी गुणवत्ता तेनी उपलब्धता विषेनी माहिती होय ज छे। पूर्ण हरीफाईवाळा बजारमां उत्पादक के वेपारी अन्य उत्पादको अने वेपारीओ कई किंमते वस्तु वेचे छे एटले के एक वेपारी ने अन्य वेपारीनी जाणकारी होय छे के पोतानी जेवी वस्तु वेचनार केटला, अवेजी के पूरक एटले के एक वस्तुना बदलामां अन्य वस्तुनो उपयोग थई शकतो होय तो बन्ने वस्तु एकबीजानी शुं कहेवाय अवेजी, अने एक वस्तुनो उपयोग करवा माटे बीजी वस्तुनो उपयोग करवो अनिवार्य होय त्यारे ते वस्तुने पूरक। जेम के वाहन चलाववा माटे बळतणनी जरूरियात ऊभी थाय पेट्रोल डीजलनी जरूरियात ऊभी थाय तो ते तेना माटे पूरक कहेवाय। आम अवेजी वस्तु के पूरक वस्तु कई गुणवत्ताए वेचे छे वगैरे जेवी बाबतोथी माहितगार होय छे। आथी आवा समान गुणी वस्तुओ धरावता बजारमां कोई एक उत्पादक के वेपारी वस्तुनी जुदी जुदी किंमत लई किंमत भेदभाव सर्जवामां असमर्थ होय छे, कारण के तेमना जेवी ज वस्तु वेचनार घणा बधा होय छे, तेमना जेवी एटले अवेजी के पूरक वस्तु वेचनार घणा बधा होय छे, माटे ते वस्तुनी जुदी जुदी किंमत लई शकता नथी। तेथी आ बजारमां वस्तुनी किंमत एक सरखी प्रवर्ते छे, एटले के बधा ज वेचनाराओ एक समान किंमते वस्तु वेचे छे। पूर्ण हरीफाईवाळा बजारमां खरीदनारा पण वस्तुनी किंमत अने गुणवत्ता वगैरे जेवी बाबतोथी संपूर्ण माहितगार होय छे, એટલે કે ખરીદનારાને પણ ખ્યાલ જ હોય છે કે આ વસ્તુની જુદી જુદી જગ્યાએ શું કિંમત ચાલે છે, કેવી ગુણવત્તાની વસ્તુઓ જુદી જુદી જગ્યાએ મળે છે તેમના વિશેની માહિતી હોય જ છે, માટે કદાચ કોઈ વેચનાર વધુ કિંમતની માંગણી કરે તો ગ્રાહક તે વધુ કિંમત ચૂકવતો નથી, કારણ કે ગ્રાહકને પણ બજારમાં ચાલતી કિંમતની જાણકારી હોય જ છે, જેના કારણે કોઈ એક ઉત્પાદક ખરીદનાર પાસેથી એટલે કે ગ્રાહક પાસેથી વધુ કિંમત વસૂલ કરી શકતો નથી।
आम खरीदनार वेचनार अने उत्पादक पक्षे बजार अंगेनु संपूर्ण ज्ञान होय एक सरखी किंमत जोवा मळे छे। आम अहीं मांग संपूर्ण मूल्य सापेक्ष बने छे। कदाच गम्मे तेटला एकमो वेचवामां आवे के खरीदवामां आवे वस्तुनी किंमतमां फेरफार थतो नथी, जेने आपणे संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग कहीए। त्यारबाद पांचमो लक्षण उत्पादनना साधनों संपूर्ण गतिशील, एटले के उत्पादनना चार साधनों छे जे प्रकरण बेमां आपणे जोई गया, जमीन मूड़ी श्रम अने नियोजक। पूर्ण हरीफाई वाला बजार में उत्पादनना चार साधनों जमीन मूड़ी श्रम अने नियोजक संपूर्ण गतिशील होय छे। तेमनु स्थान पण बदली शकाय, व्यवसाय पण बदली शकाय अने उपयोग पण बदली शकाय। जेमा तेने वधारे किंमत, जेमा तेने वधारे वळतर, जमीन ने भाड़ू, मूड़ी ने व्याज, श्रमिक ने वेतन अने नियोजक ने नफो प्राप्त थाय छे। आम जे व्यवसाय में जे कार्य में तेमने वधु वळतर मळशे त्यां ते गतिशील बने छे। पूर्ण हरीफाईवाळा बजार में वस्तुनी किंमत एक सरखी होय छे, तेवी ज रीते उत्पादनना साधनोनी किंमत एटले के वळतर एक सरखू होय छे। कारण के कोई एक जमीन पर जो कोई कारखानु स्थापित करवामां आवे अने तेमनु भाड़ू तेमने मळे छे, जो अन्य कोई कारखानेदार आवीने त्यां कारखानु स्थापवानी इच्छा दर्शावे अने वधु भाड़ू आपवानी इच्छा पण दर्शावे, त्यारे ते जमीन ए बीजा कारखानेदार ने मळशे। कारण के जमीनो मालिक वधु भाड़ू इच्छे छे, माटे जे व्यक्ति तेने वधु भाड़ू आपशे तेने ते जग्या कारखाना माटे ते आपशे। आवु न थवा देवु होय त्यारे दरेक जमीनना टुकड़ाओ मुजब के दरेक उत्पादनना साधनोने अपातु वळतर एक सरखू राखवामां आवे, दरेक जग्याए एक समान तेमने वळतर मुजब आ साधनों प्राप्त थई रहे, त्यारे आवी कोई हरीफाई थती नथी। कारण के उत्पादनना साधनों संपूर्ण गतिशील होवाथी तेओ ओछा वळतर थी ओछू भाड़ू मळतु हशे तेना करता वधु भाड़ू ज्यांथी मळशे ते वस्तुनु उत्पादन माटे ते जग्या के पछी अन्य साधनों तेमने मळी जशे। कारण के उत्पादनना साधनों संपूर्ण गतिशील होय, भले ते भौगोलिक रीते गतिशील न होय तो पछी ते व्यावसायिक गतिशील अने उपयोगनी दृष्टिए गतिशील होवाना। जेम के जमीन छे ते भौगोलिक रीते गतिशील नथी परंतु व्यावसायिक अने उपयोगनी दृष्टिए गतिशील छे, माटे ज्यां वधु भाड़ू मळशे जे वस्तुना उत्पादन माटे अपाता भाड़ू वधु मळशे ते उत्पादन माटे ते जमीन फाळवशे। आम ओछा वळतर थी वधु वळतर तरफ स्थानांतर पामे छे। कोई एक श्रमिक ने जो एक जग्याए 10,000 नुं वेतन मळतु होय अने अन्य कोई जग्याए थी तेने ऑफर आवे के तने 12,000 रुपया चूकवामां आवशे, तो ते 10,000 नुं कार्य पड़तु मूकीने 10,000 नुं कार्य ते मूकीने 12,000 નું વેતન જ્યાં મળતું હશે ત્યાં ગતિશીલ બનશે। આમ તે ઓછા વળતરથી વધુ વળતર તરફ સ્થળાંતર પામે છે અને વારંવાર થતા સ્થળાંતરને ટાળવા પેઢીઓને એક સમાન વળતર આપવાની ફરજ પાડે છે। આમ બધી જગ્યાએથી તેને એક સમાન વળતર મળી રહે છે। પૂર્ણ હરીફાઈના બજારનું છઠ્ઠું અને અંતિમ લક્ષણ એટલે કે વાહન વ્યવહાર ખર્ચનો અભાવ। પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં અસંખ્ય વેચનાર અને અસંખ્ય ખરીદનાર હોય છે। પૂર્ણ હરીફાઈના વિશ્લેષણમાં બજારમાં વાહન વ્યવહાર ખર્ચ
ये कुल खर्च नो खूब ज नानो अंश होवाथी तेने गणतरी में लेवामां आवतो नथी। कारण के वेचनार घणा बधा होय अने आ वेचनार द्वारा असंख्य वस्तुओ वेचवामां आवती होय, जेमां वस्तुनी हेराफेरीनो खर्च ए वस्तुनी कुल किंमत के कुल उत्पादन खर्चनो खूब ज नानो अंश होय छे, तेथी तेने एक्स्ट्रा के वधारामां लेवामां आवतो नथी, ते वस्तुनी किंमतमां तेनो समावेश थयेलो होय। आम अहीं वाहन व्यवहार खर्च ए शून्य गणवामां आवे छे, एम स्वीकारी लेता वाहन व्यवहार खर्चनी गैरहाजरी आ बजारनुं एक महत्वनुं लक्षण बने छे। विद्यार्थी मित्रों, पूर्ण हरीफाईनो अर्थ अने तेना लक्षणों आपणे जोई गया। हवे आवता लेक्चरमां आपणे इजारो अने तेना लक्षणों विषयनी समज मेळववाना छीए। ते पहेला पूर्ण हरीफाईना लक्षणों, असंख्य वेचनारा, असंख्य खरीदनाराओ, समान गुणी वस्तुओ अने पेढ़ीओनी मुक्त अवरजवर, आ त्रण लक्षणों अन्य प्रकारों में पण अपनी सामे आववाना छे। अने आ त्रण लक्षणों जो संपूर्ण रीते समझाई गया होय ते आवनारा प्रकारों में पण समझवा माटे उपयोगी बनवाना छे, तो खास तेनो अभ्यास करवो। अने हवे पछीना लेक्चर में आपणे इजारो अने तेना लक्षणों विषयनी समझ મેળવીશું।